मैं गुजरात पहुंच गया और रास्ते में ही मुझे गुजरात मार्केट में कुछ लोगों ने गाड़ी रोकी और मुझे रोका वहाँ पे। और जैसे बंदा नीचे है, सामने आप गन देख रहे हैं ना, सामने गन लटकी हुई है और बंदा गुजराती था। तो अभी हम जा रहे हैं गुजराती खाना खाने के लिए। वेयर आर यू गोइंग? मानिक चौक। तो हम मानिक चौक अभी जा रहे हैं, वहाँ का फूड ट्राई करने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आदाब, ठीक हो गाइस बच्चों? दिस इज इदरीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, जैसे होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो पिछले कुछ दिनों से हमने ट्रैवल अपना रोक दिया था क्योंकि हम जयपुर में कुछ चीज़ें सेटल कर रहे थे। वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो चुकी हैं। अब हम आगे का सफ़र जो है, अब हम आगे की ड्रीम राइड जो है वो फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा जयपुर से गुजरात का, और ये डिस्टेंस जो है ये है 700 किलोमीटर्स के करीब। तो ये हमें आज कवर करनी है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं जल्दी से, नमाज हो गई है सुबह की, आज मैं जल्दी उठा और जल्दी अपनी राइड जो है आज स्टार्ट भी कर लेंगे। तो अभी सामान जो है वो पैनियर्स पे लोड करते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं। हमारी बाइक पे सामान लोड हो चुका है, पैनियर्स लोड हो चुके हैं, अब बस टैंक बैग लोड करना है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाह तवक्कल अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह आज का हमारा सफ़र आसान करे। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत। ऊपर से मैंने लाइनर्स निकाल दिए हैं ना राइडिंग जैकेट के, तो ठंड ज़्यादा लग रही है। लेकिन आगे आगे ये ठंड इतनी ज़्यादा धूप में चेंज हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे कि अब राइडिंग जैकेट ही उतार दें। अब बस पेट्रोल भी फिल कराना है, वो भी आगे जाके करा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है, मुझे जो है मिरर में दिख रहा है। एक मिनट मैं रोक के दिखाता हूँ आपको, गोप्रो से ही जितना दिख सकता है। ओह ओह ओह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अभी हम रुक नहीं सकते क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। इस टाइम ट्रैफिक हमें बहुत कम मिलेगा तो हम अपना सफ़र थोड़ा खींच सकते हैं, अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाद में ट्रैफिक मिल जाएगा तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पे, और ये वाला सफ़र जो है ना ये बहुत जल्दी कवर हो जाता है क्योंकि एक्सप्रेस वे है और ट्रैफिक का दबाव भी उतना ज़्यादा नहीं होता और इंसान आराम से सफ़र जो है वो कर पाता है। तो अभी सफ़र को इन्जॉय करते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है तो अच्छा फील हो रहा है। अभी पहले पेट्रोल फिल कराते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप है नहीं कोई शायद। इसमें भी पेट्रोल ही है, दोनों पेट्रोल ही है। तो अब से आप काउंट करो कितना खर्चा होगा, मैं हर चीज़ की रेट जो है वो साथ साथ में बोलता रहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितना खर्चा हुआ, आप बताते नहीं हैं। तो आज जो जो खर्चा मैं करूँगा वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, आप काउंट करते जाओ और लास्ट की वीडियो के लास्ट में आप टोटल करके बता देना कितना खर्चा हुआ है, ठीक है? तो पेट्रोल हुआ है 990 रुपीज़ का, फर्स्ट टैंक फुल किया मैंने। तो अभी आगे आगे देखो आप क्या क्या खर्चा होता है, काउंट करते रहना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे GoPro की माइक ने काम करना बंद कर दिया था, तो यहाँ पे मैं रुका हूँ चाय पीने के लिए। फर्स्ट ब्रेक यहाँ पे मैंने ली 200 किलोमीटर्स पे। अभी हम रुके हैं पियावल में और यहाँ से है अहमदाबाद अभी 500 किलोमीटर्स। तो अभी चाय के लिए रुका हूँ, आज मैंने 216 किलोमीटर्स पे ब्रेक ली है, मतलब ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो चाय में चाय और कुकीज साथ हैं, लोकेशन कुछ ऐसी है। यहाँ से मैंने चाय पी है, कुकीज़ खाए हैं और 2 10-10 रुपीज़ के जो है पीनट्स लिए हैं। तो टोटल बिल आई 40 रुपीज़। तो ये भी आप काउंट कर सकते हो। अब रेस्ट कर लिए, अब आगे की तरफ चलते हैं, अपना सफ़र आगे का शुरू करते हैं। चाय पीने के बाद मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी थी, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नींद आने लगी थी। और अभी मैंने किया 263 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे कॉफ़ी
हाईवे पे ज़्यादा नहीं मिलती है, तो कॉफ़ी का पाउच एक मैंने साथ लेके रखा है, पैकेट एक छोटा सा, तो अब नहीं मिलती है कहीं पे, तो दूध ले लेता हूँ या चाय ले लेता हूँ, उसी के अंदर कॉफ़ी मिक्स करके फिर पी जाता हूँ। ये लोकेशन अच्छी है, बहुत बहुत अच्छे से इसको जो है बनाया। यहाँ से मैंने एक तो कॉफ़ी पी है और दूसरा यहाँ से मैंने एक वाटर बॉटल ली है, तो टोटल ख़र्चा जो यहाँ पे आया 40, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो। तो अभी यहाँ से आगे की तरफ निकल जाते हैं, नींद थोड़ी कम हो गई है, अब हम अपना सफ़र कर सकते हैं। जब भी मुझे नींद आती है तो मैं जो है ट्रैवल रोक देता हूँ, राइड रोक देता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ जाता हूँ। तो अभी बारी है सेकंड टैंक फुल कराने की पेट्रोल। तो पहला टैंक तो रिजर्व पे आ गया था, अब सेकंड टैंक की बारी है, देखते हैं यहाँ पे कितने का पेट्रोल आता है। यहाँ पे 994 रुपीस का पेट्रोल आया, तो आप इसको भी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लास्ट में यही सारी चीज़ें याद रखना, लास्ट में आप सबको ये काउंट करके कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना है। अभी मैं पहुंचा हूं जी सरूपगंज और हमने 487 किलोमीटर्स कर लिए हैं। अभी हमारे पास बचे हैं 221 किलोमीटर्स और यहां पे मैं लंच करने के लिए रुका हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। अभी तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैं इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि फिर जो है नींद आ जाती है, लेकिन अब पेट चीखने लगा तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। और अभी मैं खाना जो है वो बिल्कुल देसी तरीके से खा रहा हूँ, मतलब देसी तरीके से बन रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। खाने में दाल, रोटी, प्याज, छाछ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है, बहुत ही टेस्टी खाना था। देसी स्टाइल में खाने का मज़ा ही अलग है। और यहाँ पे करने पड़े मुझे 100 रुपीज़, इतना सारा खाना छाछ और सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने पड़े। और यही खाना अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाता तो 300-400 रुपये की बिल तो आती ही आती। तो ऐसे ही बचत होती है ट्रैवल में, थोड़ी थोड़ी, देखो थोड़ी थोड़ी बचत करोगे तभी जाके फिर आपका बजट जो है वो लड़खड़ाएगा नहीं। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं, अभी सफ़र बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है, तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। ये आप जोड़ लो, ये भी लिस्ट में ऐड कर दो। अभी जी बारी है थर्ड टैंक फुल कराने की। दो टैंक्स पेट्रोल के हमने ऑलरेडी फिल करा दिए और ये थर्ड टैंक की बारी है, तो अब थर्ड टैंक जो है पेट्रोल फिल कराते हैं, देखते हैं यहाँ पे बिल क्या आती है। यहाँ पे पेट्रोल आया है 887 रुपीस का, तो आप इसको भी ऐड कर दो। मैं गुजरात पहुंच गया और रास्ते में ही मुझे गुजरात मार्केट में कुछ लोगों ने गाड़ी रोकी और मुझे रोका वहाँ पे। और जैसे बंदा नीचे है, सामने आप गन देख रहे हैं ना, सामने गन लटकी हुई है और बंदा गुजराती था और मुझे रोका और पूछ रहा था किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, आप बहुत ट्रैवल करके आए हो। बहुत ही, मतलब मुझे नहीं पता था गुजराती लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा अच्छे। और ये दोनों बाप बेटे थे आई गेस, और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से बिहेव किया उन्होंने। पहले तो मैं गन देख के डर गया था सच में, इनका एक्चुअली पेट्रोल पंप अपना है, तो बोल रहे थे कि उसी वजह से जो है गन रखनी पड़ती है। और बहुत अच्छे लोग, फर्स्ट इम्प्रेशन जो गुजरात का था वो यहीं पे सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ से हमने थोड़ी बहुत बातें की, थोड़ी सेल्फीज़ क्लिक की और उसके बाद में आगे अपने सफ़र पर वापस निकल गया अपने होटल की तरफ।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजरात अहमदाबाद पहुंच गया हूं। तो अभी मुझे मिले हैं अली अजहर भाई। अली अजहर राइट? अली अजहर भाई बेंगलुरु से है और हम इंशाल्लाह आगे की राइड मुंबई तक जो है वो साथ करेंगे। फिलहाल यहां तक जो है यहां मिल गए। देखो हॉस्टल्स का यही फ़ायदा होता है, आपको कोई ना कोई यहां मिल जाता है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है मतलब हॉस्टल्स बुक करने की। तो अभी हम जा रहे हैं गुजराती खाना खाने के लिए। वे आर यू गोइंग? मानिक चौक। मानिक चौक, तो हम मानिक चौक अभी जा रहे हैं वहाँ का फूड ट्राई करने। ये है जी मानिक चौक। अभी बन रहा है कुल्फी फालूदा, कुल्फी फालूदा रबड़ी। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज आ रही होगी, यहाँ बहुत ज्यादा शोर है। इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। डिनर का आप ऐड कर लें 280 रुपीज़, क्योंकि हमने यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई किया तो उस वजह से बिल जो है वो ज़्यादा आई। और रही हॉस्टल्स की बात तो 600 रुपीज़ में मुझे ये 2 नाइट्स का पड़ा, तो 300 रुपीज़ आप पर नाइट के हॉस्टल के भी ऐड कर लें। तो आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना टोटल किया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।